हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल शो यू हाउ यू कैन क्रिएट मेन्यूज इन जावा स्विंग्स। इफ यू हैव सीन माय वीडियो ऑफ क्रिएटिंग मेन्यूज इन AWT, देन यू विल इजीली अंडरस्टैंड दैट हाउ टू क्रिएट मेन्यूज इन जावा स्विंग्स। सो आई विल ड्रॉ अ सैम्पल विंडो। सपोज आई हैव टू एड ए मेन्यू फाइल, and in this file there are certain menu items like open and save। तो मुझे कुछ एक ऐसा structure बनाना है जिसमें फाइल हो, फाइल के नीचे open और save हो। So now let's see what are these all the things। This is the frame, or I can call JFrame in swings। This particular line from this to this, this is the J menu bar। This file is J menu, and these two are J menu item। तो आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है। तो अगर अब आप देख रहे हैं तो आई हैव टू एड J menu item in J menu, then I have to add J menu to the J menu bar, and finally I have to add J menu bar to the frame। So we will proceed in this manner only। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे इसमें, J menu items। तो J menu items बनाने के लिए आपको J menu item class का कंस्ट्रक्टर कॉल करना है या ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं। सो नाउ लेट्स सी हाउ यू कैन एक्चुअली डू दैट। सो फ्रेम आई एम क्रिएटिंग, जे एफ इज इक्वल्स टू न्यू फ्रेम, सो दिस इज द कंस्ट्रक्टर एक्चुअली। सो द फ्रेम इज क्रिएटेड, नाउ क्रिएट जे मेन्यू आइटम। हमने एक मेन्यू आइटम बना लिया ओपन। सिमिलरली आपको एक और मेन्यू आइटम बनाना है सेव। सो टू मेन्यू आइटम्स आर क्रिएटेड, M1 एंड M2। नाउ आई हैव टू ऐड दिस मेन्यू आइटम्स टू द मेन्यू। सो क्रिएट मेन्यू, जे मेन्यू फाइल इज इक्वल्स टू न्यू जे मेन्यू फाइल। सो द मेन्यू इज ऑल्सो क्रिएटेड फाइल। नाउ आई हैव टू एड दिस मेन्यू आइटम्स इन द फाइल। तो उसके लिए क्या लिखना है आपको, फाइल डॉट एड M1 एंड फाइल डॉट एड M2। सो दिस पार्ट इज कंप्लीटेड, क्रिएशन ऑफ मेन्यू आइटम्स एंड मेन्यू, एंड आई हैव ऑल्सो एडिड मेन्यू आइटम्स टू द मेन्यू। Now I have to add this menu in the menu bar। So create a menu bar object। तो मैंने मेन्यू बार का ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब मुझे इस मेन्यू बार के अंदर मेन्यू को ऐड करना है। सो आई विल राइट M bar डॉट ऐड फाइल। सो दिस पार्ट इज ऑल्सो कंप्लीटेड, क्रिएशन ऑफ मेन्यू बार एंड एडिंग ऑफ मेन्यू टू द मेन्यू बार। नाउ फाइनली आई हैव टू जस्ट ऐड दिस मेन्यू बार टू द फ्रेम। तो उसके लिए आपको सिंपल यूज करना है JF.add M bar। सो दिस इज द कोड फॉर क्रिएटिंग मेन्यूज इन Java swings। Then you can use event handling to open certain dialog boxes or perform certain actions on the click of this menu items। Thank you for watching the video। Please subscribe to the YouTube channel for more tutorials on Java and other computer science related subjects। Thank you।